अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चना मसाला। हाफ कप तेल गरम हो गया है, इसमें एक टीस्पून जीरा डालें, कुछ कड़ी पत्ते डालें। जीरे ने कड़कना बंद कर दिया है, अब इसमें दो मीडियम साइज्ड कटी हुई प्याज डालें, हाफ टीस्पून नमक डालकर प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लें। प्याज सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें चार छोटे छोटे टमाटर कटे हुए ऐड करें। नमक डालें इसमें टेस्ट के हिसाब से। एक टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालें, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें। टमाटरों के सॉफ्ट होने तक भून लें। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें पाव किलो रात भर के भिगोए हुए और प्रेशर कुक किए हुए 20 मिनट तक लो फ्लेम पे सीटी बजने के बाद से ऐड कर दें। एक कप पानी डालें, कटा हुआ हरा धनिया डालें, मिक्स करें। अब इसको 2-3 मिनट तक सिंक पर रखें ढककर। तीन मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी है, फ्लेम ऑफ कर दें। चना मसाला तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।